मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने की काचर बडौली पुलिस ने एक 26 वर्षीय महिला के साथ हुई गैंगरेप के मामले में FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक, हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, इस पूरे मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि जो FIR है उसमें 4 आरोपियों का जिक्र है, मगर जो पीड़िता है उसका कहना है कि इस गैंगरेप के मामले में कुल 7 आरोपी हैं। आपको बता दें कि इस पूरे गैंगरेप के मामले में हमने पीड़िता से भी बातचीत की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। मूल रूप से आसाम की रहने वाली 26 वर्षीय महिला जो थाने में रहती थी और भिवंडी के बंजारपट्टी इलाके में एक बार में वेटर का काम करती थी। इस दौरान इसकी जान पहचान गोविंद राजभर नाम के युवक से हुई और इनकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर धीरे धीरे गोविंद उसे प्रताड़ित करने लगा। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। इसके अलावा ये भी पीड़ित महिला ने बताया कि गोविंद राजभर ने अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। वही मुमरा के लाइफ इन लाइट नामक NGO चलाने वाली शगुफ्ता ने बताया है कि इस पूरे मामले में महिला के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई है, शिकायत करने पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मुख्य आरोपी गोविंद राजभर और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि उसके साथ जो गैंगरेप की घटना हुई है उसमें कुल 7 आरोपी शामिल हैं। वहीं पीड़ित ने यह भी बताया कि उसे झांसा देकर घर दिलाने के नाम पर करीब 12 लाख रुपए और कुछ सोने चांदी के जेवर भी उससे गोविंद राजभर ने ले लिए हैं। बहरहाल इस पूरे गैंग रेप की घटना के मामले में हमने जो पीड़िता है उससे भी बातचीत की है और लाइफ इन लाइट NGO चलाने वाली जो शगुफ्ता है उनसे भी बातचीत की है। क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी दी है, सुनिए। क्या हुआ था आपके साथ, जो गैंगरेप की घटना आपके साथ में हुई है, कितने लोग इस अपराध में शामिल थे और पुलिस ने अब तक कितने लोगों को गिरफ्तारी किया है? मैं भिवंडी में बंजरपट्टी नाका का पास एक लेडीज बार में वेटर की काम करती थी। वहाँ पे मेरे को उसके साथ में 2018 में मुलाकात हुआ। जब मुलाकात होने का कुछ महीने तक मेरे किसके साथ मुलाकात हुआ? गोविंदा राजभर, उसका गोविंदा राजभर के साथ में मुलाकात होने के बाद में कुछ दिन के बाद में उसके साथ में मेरे को प्यार हो गया। वो भी मुझसे प्यार करने लगा और मैं भी उससे प्यार करने लगी। वो मेरे को बोला, मैं बिल्डर का बेटा हूँ, तुमको ये लाइन से निकाल दूँगी, तुम्हारी घर परिवार जो भी है मैं सब संभालूँगी, ऐसा बोल बोल के वो मेरे को फंसाने लगा। फिर एक थोड़े दिन बाद में मैं उसको बोला, जो तू अगर बिल्डर का बेटा है तो मेरे को यहाँ पे एक घर दिलवा दो, ऐसा बोला मैं। मेरे पास कुछ पैसा जमा है तो मेरे को एक घर दिलवा दो, ऐसा बोला मैं उसको। बोलने के बाद में वो बोला, ठीक है मैं तुमको सस्ते में कौन सी भी एरिया में मैं घर दिलवा दूँगी, ऐसा बोल के उसका चाचा और वो आके फाउंटेन होटल के पास मुझे मिल के मेरे से 4.5 लाख रुपये कैश में लिया। वहाँ पर लेने के बाद में फिर भी वो हर रोज़ आते थे मुझसे मिलने का, हर रोज़ आते थे, अलग अलग मोहल्ले में ले कर जाके मेरे को रूम वगैरह दिखाते थे और बोलते थे, ये मेरा पापा का बिल्डिंग है, यहाँ पे मेरा पापा रूम बना रहे हैं, तैयार हो जाएगा जैसे ही वैसे ही हम तुमको यहाँ पे रूम दिलवा देंगे। और बीच बीच में बोलने लगता था, कभी गाड़ी लेंगे करके पैसे लेते थे मेरे पास से, कभी ये काम है रूम पे, वो काम है, सब बोल बोल के मेरे से हमेशा कुछ ना कुछ बोल के पैसे लेते रहते थे। कितना पैसा टोटल लिया वो? टोटल कम से कम मेरे से 12-13 लाख तक रुपए लिए वो, कम से कम। हाँ, मेरा एक चेन, एक जोड़ी कान के और एक अंगूठी, जो चेन 5-6 ग्राम का होगा और अंगूठी 4 ग्राम का था, कान का 3 ग्राम का था, ऐसा ली वो मेरे को मार के लिया था वो सब छीन के, और मेरा मोबाइल भी लेके गए थे तोड़ बिर के मुझे मार के। ऐसा करके करके उसका बहुत टॉर्चर शुरू हो जाता था, तो मैं उसको मिलने नहीं जाती थी कभी कभार। तो मेरे को वीडियो बनाया गया मेरा, तो तेरा वीडियो मैं वायरल कर दूंगी, ऐसा बोल बोल के मेरे को धमकी देता था। तो मैं वीडियो कैसा बनाया पता नहीं, वो मेरे को नहीं मालूम उसके पास मेरा कैसा वीडियो था, वो मुझे कभी नहीं दिखाया। वो खाली मेरे को बोलता था फ़ोन पे, जो तेरा वीडियो वायरल कर दूंगी, मेरे पास तेरा वीडियो है, ऐसा ऐसा बोलता था मुझे।
और उसके बाद में मेरा कांटेक्ट में मेरा मोबाइल में जितने भी नंबर था वो मेरा मोबाइल में कुछ करके रखा था, वो सब नंबर निकल के पूरी बम्बई में मैं जिसके भी कांटेक्ट में थी सबकी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग बोल बोल के भेज देता था, जो ये लड़की ऐसी काम करती है, हो बाहर लाइन पे काम करती है, ऐसा बोल बोल के सबको भेजता था। तो मैं परेशान होकर डर के वजह से वो जहाँ भी बुलाता था मैं वहाँ पे उसके साथ चली जाती थी। कभी कभार मेरे से अच्छे से भी पेश आते थे, कभी कभार इतना गलत पेश आते थे जो नहीं करना चाहिए होता था, ऐसे भी वो मेरे साथ में कुछ करता था। उसके बाद में कभी कभार वो मेरे को के पास लेके जाते, वहाँ पे उसके दो तीन दोस्त लोग आते थे जो मेरे अंदर गाड़ी के अंदर ही मतलब मेरे को खराब खराब जगह पे हाथ लगाता था उसके सामने और इधर उधर छेड़छाड़ करता था, वो हंसता था मेरे ऊपर। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में फिर फाउंटेन होटल के पास वहाँ पे लेके जाते थे, वो जंगल एरिया है पहाड़ी का, वहाँ पे लेके जाके गाड़ी रुका के उसका दोस्त लोग कहाँ से आए थे क्या पहले से खड़े थे मुझे नहीं पता, उन लोगों ने एक एक करके सब लोगों ने मेरे साथ में गलत किया वहाँ पे। उसके बाद में मैं काफ़ी पुलिस चौकी में गई, फिर पुलिस वाले लोग ने मेरा FIR नहीं ले रहे थे बोल के फिर मैं मैडम लोगों का मदद लेके मैं FIR दर्ज करवाई। अभी दो आरोपी पकड़े गए और पुलिस वाले लोग अभी मेरा हेल्प कर रहे हैं, अभी बाकी आरोपी पकड़ना बाकी। अच्छा, और पांच टोटल सात थे जी। पुलिस ने कितना पकड़ा? दो, मेरे जानकारी से दो पकड़े करके मेरे को मालूम है, अभी बाकी का भी उन लोग कोशिश कर रहे हैं तो बाकी का अभी तक मिले नहीं। अच्छा, जो गोविंद राजभर है, दरअसल ये आपके साथ जो रेप के आरोप आप लगा रही हैं, ये जब से आप मिले उसके कितने दिन बाद से आपके साथ ऐसा संबंध बना है? मैं उसको जब मिली उसका दूसरा दिन से ही उसके साथ में मेरे साथ में संबंध था। 2018 में 9 या 10वां महीने में मैं उसको मिली थी, उसका जो दिन वो वहाँ पे आए थे उसका दूसरा दिन से ही हम लोग के बीच में ऐसा संबंध था। वो मुझे किधर भी लेके जाते थे और शाम को 7 बजे से लेकर रात को 2-1.30 बजे तक मैं उसके साथ में ही रहती थी हर रोज़, और जो जगह पे मैं जाती थी वो जगह पे मैं आधार कार्ड प्रूफ भी देती थी वहाँ पे साइन करके। तो जो उनके दोस्तों के साथ उनके दोस्तों पर जो आरोप लगाया है रेप का, ये उसके 6 दोस्त थे जी। अच्छा, तो इन लोगों ने कब किया आपके साथ ये वारदात? इन लोगों ने मेरे को 2019 से 20 के बीच में किया, मेरे को महीना तारीख याद नहीं है क्योंकि उसके बाद कई बार हुआ, कई बार नहीं दो ही बार हुआ। एक बार मेरे साथ में छेड़छाड़ हुआ पहाड़ के ऊपर, मतलब उन लोग गलत तरीके से छेड़छाड़ किए थे मेरे पास, ताकि वो दिन में थे, दिन के टाइम थे तो वहाँ पे और भी लोग थे, तो इसके वजह से वो लोग मेरे साथ में कुछ ऐसा गलत नहीं कर पाए थे। दूसरी बार जब वो लोग मेरे को फाउंटेन वो साइड में लेके गए थे, उस टाइम पे रात के टाइम था और पूरा अंधेरा था, वो साइड में जंगल एरिया था, वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ पे मेरे साथ में गलत किया था। ये सब बातें 2019 से लेके 20 के बीच की बात है, क्योंकि लॉकडाउन में मैं गांव चली गई थी। मैं गांव से आने के बाद में मैं उसके साथ में लॉडजिंग में कभी नहीं गई, बस ऐसे धमकाता था तो मैं मिलने चली जाती थी उससे। अभी पुलिस से क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? पुलिस से मैं यही कहूंगी जो जैसे मेरा मदद कर रहे अभी FIR दर्ज होने के बाद, ऐसे ही मेरे मदद करे और जल्द से जल्द सबको पकड़ के मेरे को इंसाफ दिलाइए सबके बारे में। हाँ, वो मेरे साथ में गलत किया, जब शुरुआत में मिला तो वो मेरे को अच्छा भी किया, शुरुआत में मिला जब, जो मेरे को प्यार करता है, मेरे को एयरलाइन से निकाल देगा, मेरा घर फैमिली को देखेगा, मेरे को संभालेगा, ऐसा ऐसा बोल के मेरे को दलासा भी देता था, और जो भी मैं वहाँ पे काम के लिए होता था ऐसा मेरे को देता था वो, जो किसी के साथ में जाना नहीं, मेरे पास ही रहो, ऐसा ऐसा बोलता था। और बाकी जितने भी लोगों की कांटेक्ट में मैं रहती थी यहाँ पे बम्बई में, सब लोगों का नंबर विम्बर वो ब्लॉक कर देता था, सिर्फ मैं उसी के ही कांटेक्ट में रहती थी वो टाइम से लेके। उसके बाद से जब से गद्दारी करने लगा वो मेरे से, तब से मैंने उसका कांटेक्ट छोड़ दिया था। आप क्या कहेंगी इस मामले को लेकर? FIR तो दर्ज हुई है, 2 से 4 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं अभी, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? मैं क्या बोल रही हूँ कि देखो, मैं एक NGO के थ्रू से लड़की की हेल्प कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो भी पुलिस स्टेशन में, कासरवाड़ी पुलिस स्टेशन में इसका कंप्लेंट लॉन्च हुआ है और FIR दर्ज हुआ है, उसमें 2 आरोपी पकड़े गए ले, लेकिन 5 बाकी, लेकिन FIR में सिर्फ 4 का नाम लिखे गए ले और 3 का नाम शामिल करना पड़ेगा उनको, और जो भी है 7ों को अरेस्ट करके उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि लोगों को याद रहे कि कोई लड़की मजबूरन आती है तो उसको ऐसा नहीं करके उसका पूरा माल जल लूट लिया
और प्लस उसको उसकी बहन के साथ में ब्लैकमेलिंग करके लड़की को टॉर्चर करके रिपीट उसको बुलाना, धमकी देना, वो सब कर रहा था। इसके बाद ये लड़की नर्वस थी, इसके बाद हम लोगों ने कुछ लोगों ने मिलकर इसको सपोर्ट किया और अभी भी हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे ताकि इसको इंसाफ मिले। लेकिन इसके बाद अगर इसकी सेफ साइड भी होना चाहिए कि ये लड़के बाहर निकलने के बाद में ये लड़की को कुछ ना करें, तो इससे हम लोग ये चाहते कि पुलिस में और कोर्ट में इसका प्रोटेक्शन भी रहे और ये लड़की मजबूरन काम कर रही है क्योंकि इसको इसके परिवार को लेके चलना है। लेकिन जहाँ तक के हमारा सपोर्ट रहेगा हम उसको करेंगे, लेकिन हम लोगों को इसका कॉर्पोरेट चाहिए और वो लड़के जल्द से जल्द अरेस्ट होनी चाहिए ताकि वो लड़कों को ऐसी सज़ा मिले कि पूरा पब्लिक और पूरे लोग देखें, ताकि मालूम पड़े कि औरत की इज्जत भी रहती है। औरत जब चुप रहती है तो ठीक है, लेकिन उसके घर परिवार पर बात आएगी तो फिर कोई नहीं चुप रहेगा। बस वही बोलना चाहती हूँ मैं, बस वो लड़की को इंसाफ मिले। वो मजबूरन में लड़की ने अपना काम किया था लेकिन वो सज़ा उसको मिली और ये घर परिवार को ब्लैकमेलिंग भी हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ ना हो और ये लड़की को बस इंसाफ मिले और हर काम उसका जैसा हो तो एक पुलिस स्टेशन वाले कॉर्पोरेट करें और उसको हेल्प करें, ये चाहते हैं हम। मेरे नाम पर ऐसा FIR दर्ज किया जो मेरे को बम्बई में फ्लैट दिया और 40 लाख रुपए मुझे कैश में दिया और 40 लाख रुपए के लिए मैं उसके नाम उसको कम पे कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। इसके वजह से उसको वो पैसे नहीं दे रहा था, इसके लिए मैंने उसको मारा। पर ये बात उसने कभी नहीं बोला। जो मेरा गांव गया, गांव जाके पूरा मोहल्ले में मेरा सबको बोल के आया, जो मैं उससे शादी की, शादी करके मैं उसको डिवोर्स दे के वापस दूसरे लड़का से शादी की, जहाँ तक कि मेरा आज तक शादी हुई नहीं। अभी मेरा गाँव वाले के नज़र में मैं दो शादीशुदा हूँ। वो लड़का आपके गाँग मेरा गाँव गया, लड़का गाँव जाके, यानी ये लड़की ने जब स्टेप उठाया, बर्दाश्त की इसने 2 साल 4 साल, जब ये पैसे का अपना हिसाब लेने लगी कि भाई मैंने इतना पेमेंट दिया है, ये मेरा पेमेंट किधर है, घर किधर है मेरा, मेरे को मेरे घर पहुंचा दो क्योंकि मैं भाड़ा देने से बचूं, तब उसके ऊपर जुल्म करने लगा, मारने लगा, धाड़ने लगा, दूसरे लड़कों के साथ में इसको गंदी हरकतें करने लगा और 4-5 लड़कों के साथ में अलग से इसका गैंग रेप भी हुए लाए रात की टाइम पे। और ये चीज़ जो अपने जब गांव में पहुंचा तो गांव में पूरे लोगों को इसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी लड़की से मैंने शादी किया हूँ, पूरे पंचायत में उसने बताया और इसको लड़की को वहाँ बदनाम कर कर आया। वो लड़की वो डर के मारे वापस इधर आई, उसका बहनों का वीडियो बनाया, वो डर से वो लड़की इधर आई कि ताकि भाई मेरी तो ज़िंदगी इसने ख़राब कर दी, मेरी बहनों की ज़िंदगी नहीं ख़राब हो, ताकि वो बच्चों की नवी नवी शादी हुई है, उस डर से वो इधर आई। इसके बाद में ये सब चीज़ और ये सब चीज़ों का पुलिस स्टेशन का ये हो कि ये तो लड़की बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अपने पीछे अपने परिवार को तो बर्बाद नहीं करेगी वो। लेकिन वो उसको ये है कि जो पैसे की धमकी ये वो जो सब दे रहा है और ये लड़की का पैसा लिया, उसने इसको कुछ दिया नहीं। अगर ये लड़की को दिया होता तो ये लड़की ये लाइन में रीज नहीं होती। अगर फ्लैट दिया होता, 40 लाख कैश दिया होता तो इसको कमाने की क्या ज़रूरत है, और शादी तो इसने कभी किया नहीं, उल्टा इसके पेट का बच्चा इसने गिरा दिया है, गलत संबंध रख के इसके वो रिपोर्ट भी दर्ज हुआ है उसका। तो ये झूठ बोल रहा है ये लड़का, क्योंकि ये लड़के लोगों की फितरत हो चुकी है कि ये झूठ बोलना है हमको, किसी भी तरह बच के बाहर निकलना है।